हेलो गाइस मु श्वेता आपण मानंकु मोर ए एजुकेशनल वीडियो चैनल जारा ना हला कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स ताकु स्वागत जणाउची। आउ आगो हमर जो प्रीवियस वीडियो माने जो मु अपलोड करिथि सेथिले मु सेही सरल सह समीकरण रो बाकी उदाहरण सब अपलोड करथिली। आजर एही वीडियो रे भी आमे सरल से सरल सह समीकरण विषय डिस्कस करिवा जोटा कि आम चैप्टर 1 बट आज मु उदाहरण 4 एठे आपण मानक सहित डिस्कस करी। ओके तो आम उदाहरण 4 रो फर्स्ट बिट रो जो क्वेश्चन अछि से कोन कहिछि आमको क्वेश्चन कहुछि कि के रो केउ मूल्य गुड़ी को पाई सह समीकरण 2 अनन्य समाधान संभव। ओके तो सिंपली आमको एठारे कौन करा जाए आमको दीटा समीकरण दिया जाए। ओके यही समीकरण रु आम आमको कौन बाहर करार अच्छी ये जो के अच्छी आप देखुं जो के अच्छी ये मूल्य आमको आम मान को बाहर करने को पड़ ठीक अच्छे तो ये आम कमी काढ़ा देखु यहाँ है इक्वेशन 1 एटा हैला इक्वेशन 2 ठीक अच्छे। आदेव को चाहूँगी ए प्रकार क्वेश्चन भी इम्पोर्टेन्ट बाकी क्वेश्चन भाया आईटा आपण को गोटे मार्क न दी मार्क क्वेश्चन आसी जाए राइट तो चलत आम सल्व करवा देखो केमती करवा तो आम फर्स्ट इक्वेशन हो 4x + ky + 8 सेकेंड इक्वेशन हो 2x + 2y + 2 = 0 राइट आमको क्वेश्चन कौन कही मैं एमती सह समीकरण द्वारा जहाँ अनन्य समाधान संभव हो ठीक अच्छे माने के रो के मूल्य पाई दुई इक्वेशन रु अनन्य समाधान संभव हो तो अनन्य समाधान काढ़ा पाई तार गोटे कंडीशन अच्छी तार गोटे शर्त अच्छी ठीक अच्छे तो तार शर्त कौन अनन्य समाधान केते बेले जे हुए जेते बेले a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ठीक अच्छे तो से आमको कौन करवाक पड़ा a1 a2 b1 b2 आमको काढ़ाक पड़ी था राइट तो एथिरे आम फर्स्ट कौन करवा a1 a2 b1 b2 काढ़ा ठीक अच्छे तो यदि मु फर्स्ट इक्वेशन को देखी तो मोर a1 के a1 है 4 आउ b1 है k ठीक अच्छे आदि मु सेकेंड इक्वेशन काढ़ी a2 आउ b2 तो मोर के बाहर a2 है 2 कहीं एठारे एक्स रहग के 2 ओके आउ b2 के b2 हम कहीं वाई रहग 2 से b2 भी आम 2 हम तो ए हमें जब शर्त अनुसार जब करवा ठीक अच्छे तो शर्त आमर है अनन्य समाधान काढ़ा शर्त कौन शर्त हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हवा कथा तो यार वैल्यू आप पकातु तो a1 है इम्प्लाइज दैट 4/a2 है 2 ओके इज नॉट इक्वल टू b1 है k/b2 है 2 तो एठारे कौन होटा कटि जाऊँगी हेला तो 4/2 को मुझे लिखी पारिबी 2 इज नॉट इक्वल टू k/2 है सो या सॉल्व कले कौन बाहर के इक्वल टू के k इज नॉट इक्वल टू 2 एठारे मैंने आर आड़ को ट्रांसपोज गले मल्टीप्लाई हो जा सो 2 × 2 इम्प्लाइज दैट k इज नॉट इक्वल टू 2 × 2 = 4 ओके सो 4 है मोर एनसर तो आमको क्वेश्चन में सिंपली पचरा जाइला कि के वैल्यू केटे तो आमको के वैल्यू काढ़ तो के वैल्यू आम बाहर गला 4 ओके सो आम एनसर है के मूल्य 4 है तो आम एठार लिखा मुझे इरेज करुच्ची आम एठार लिखा कि लिखा कि के मूल्य 4 हेले 4 हेले समीकरण द्वयर अनन्य
समाधान संभव ओके तो एटा थिला आपनकर उदाहरण वन सेमिति मु आ गोटे वीडियो रे उदाहरण टू विषय रे भी आपन मानको बुझेबी ओके तो यदि स्टूडेंट्स यदि तुम मानक यदि ए वीडियोटा यदि भल लागुची तो प्लीज वीडियो को लाइक करंतु आ आपन मानका फ्रेंड सर्कल ले शेयर करंतु आ कमेंट सेक्शन रे कमेंट भी करंतु यदि आपनकर क्लियर हैला कांसेप्ट तो आपन कमेंट रे क्लियर बोली कि कमेंट करंतु आपड़ी लगुच कि ये वीडियो आप यूजफुल तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल ओके तो मो चैनल रो ना है कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स एटा हैला मो चैनल तो मो चैनल को जाई करी आपण माने आकु सब्सक्राइब करंतु प्लीज सब्सक्राइब करंतु आ सब्सक्राइब कर सल्ला पारे सेठरे जो बेल आइकन थे ताको प्रेस कर दियंतु प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू।